ये गमले का पौधा आपके मटके के पानी को बनाएगा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और फ्रिज के पानी से भी ज्यादा ठंडा। दो चीजों का इस्तेमाल करना है। आज हम बताएंगे कि गर्मियां आ चुकी है और आपके मटके का पानी इतना ज्यादा ठंड हो जाएगा कि आप भूल जाएंगे फ्रिज, और ये जो गमला है इसमें बहुत ज्यादा ही सहायता करेगा। तो दो चीजें आपको करनी है। इस बर्फ को रख देता हूं उस साइड में क्योंकि इसका काम है नहीं अपने पास। तो सबसे पहले ये जो अगर आपके घर में कोई पुराना मटका है या फिर आप नया मटका ला रहे हो तो सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से आपको धो देना है, बाहर के साइड में और अंदर के साइड में पूरे अच्छी तरीके से उसको धो देना है। देखिए, अगर आपका मटका पुराना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपका मटका अगर पुराना है तो आपको डालना है उसमें एक चम्मच नमक, दो चम्मच भी डाल दो। मटके से ना एक प्रकार की कभी कभी ना बदबू आने लगती है जब आप पुराना मटका यूज करते हो, और आपको डाल देना है ये नींबू। नींबू को आपको करना है कट और डाल देना है इसके अंदर। देख लो भाई, इसके अंदर मैंने डाल दिया नींबू को। आपका मटका इतना ठंडा पानी देगा कि आप भी बोलोगे यार फ्रिज फेल है इसके सामने। बस आपको पूरे इस मटके को नींबू, और जैसे हमें नींबू पानी चाहिए रहता है गर्मी में, ठीक उसी तरह से आपको ये जो छिलके हैं उसको भी इसके अंदर डाल देना है। और आपको इसमें डाल देना है थोड़ा पानी। ये देखिए, पानी आपको इस तरह से ले लेना है, पानी ज़्यादा नहीं लेना है आपको, बस डेढ़ से दो ग्लास ले लेना है। फिर उसके बाद ये जो ढक्कन है उसको लेना है, और उसको लेने के बाद आपको करना है थोड़ा मटके का मसाज। ऐसे घुमाएंगे ना, ये क्या होगा, जो इसके अंदर जो नमक है और जो नींबू डाला है ना उससे ना रगड़ जाएंगी, और ये इसकी जो छिद्र है ना वो खुल जाएंगी, और इसमें जो एक अलग सा महक भी आता है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो देख लो, आपको इस तरीके से करना है, और देख लो, ये देखो, ये देखो पूरी तरीके से ना इसका पानी निकल गया है। तो हम इसको रखते हैं साइड में। ये देखो पूरा साफ हो गया आपका मटका। अभी आप पानी डालोगे ना इस पर अलग प्रकार की एक गंध आएगी, और ये गंध ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब सुगंध आएगी, और आपके मटके का पानी को बना देगी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा। इसको धो लेना है, और आपने इस मटके में पानी भर लेना है। मटके में आप पानी भरने के बाद आपको करना ये है कि ऐसी एक बाटी ले लेनी है, आप ऐसे मिट्टी के बर्तन ही ले लो ना, और उसके बाद आपके घर पे जो पेड़ पौधा लगा है ना उसकी बहुत ज़रूरत आने वाली है। ये देखिए, आप उस मिट्टी को ना निकाल दोगे, ऐसे निकाल के ना ऐसे डाल देना है आपको। ये देखिए, मेरा ये जो पेड़ है काफ़ी हरा भरा भी है क्योंकि इसमें हम काला पानी देते हैं, और काला पानी कैसे बनाते हैं वो भी हमने बताया हुआ है हरा भरा जीवन में। हरा भरा जीवन जीने की शैली को बताता है, सिंपल तरीके को बताता है, देसी नुस्खा भी बताता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि उनका जो फ्रिज से भी ठंडा पानी पीने का जो वो है ना वो पूरा हो जाए ड्रीम। तो इस तरह मिट्टी आपको ले लेनी है। ये देखिए, अच्छी तरीके से हम मिट्टी ले लेते हैं। ये मिट्टी को आपको लेके ना थोड़ा सा ना इसमें ना पानी डाल देना है। ये देखिए, आपको तो पता है मिट्टी कितनी ठंडी होती है, आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है इसमें। ये थोड़ा पानी इसमें डाल देना है। अब देखिए, आपको ये क्या करना है, ये जो मटका है वो उस पर पानी भर के आपको ठीक इस मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी है जो हमने रखी है उसके ऊपर रख देना है। अब देखिए, जो इसकी मिट्टी की जो ठंडाहट है और जो मटके की ठंडाहट है ना उससे बहुत ज़्यादा ही पानी ठंडी हो जाएगी। और एक जो चीज़ें हैं जो लगभग हर लोग करते हैं, उसको क्या करना है, आपको ऐसे एक बोरा ले लेना है। ये जो बोरा है आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, या फिर आप कोई सूती का कपड़ा भी ले सकते हो, जितना कपड़ा मोटा रहेगा आप भिगा लेना उसको। भिगाने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से इसे गाड़ देना। गाड़ने के बाद क्या करना है आपको, देखिए मैंने अच्छी तरह से नहीं भिगाया, आप भिगा लेना अच्छी तरीके से, और ये मटका है ना उसको अच्छी तरीके से पूरा ऐसे ढक देना है। ऐसे आप ढक दोगे, आपका पानी ना 15 से 20 मिनट में इतना ज़्यादा ठंड हो जाएगा, इतना ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा ना, आप भी बोलोगे कि फ्रिज से वाकई ज़्यादा ठंडा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें बताना, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हो वो भी बताना, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो भी मटके का ठंडा पानी पिए और गर्मी में आपको और आपके रिश्तेदारों को वाहवाही करे। धन्यवाद।